हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट प्रीवियस ईय क्वेश्चन लास्ट थर्टी थ्री ईयर से इस चैप्टर के अंदर टोटल ट्रिपल वन यानी वन हंड्रेड इलेवन क्वेश्चन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखें तो आपको आई बटन में प्ले का लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर प्ले चेक कर सकते हो आपको मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बट उससे पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड फॉर नीट एग्जाम तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रूट और यहीं से आया था हमारा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर वो रूट्स जो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं उनको क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट प्राइमरी रूट प्रोप रूट या फिर लेटरल रूट तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ जाएगा उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स प्योर एनसीआरटी बेस्ड द एनसीआरटी के लाइन को कॉपी पेस्ट ओके सेकेंड क्वेश्चन है स्वीट पोटेटो इज ए मॉडिफाइड स्वीट पोटेटो मॉडिफाइड क्या है स्टेम एडवेंटियस रूट टेप रूट या फिर राइजोम तो यहाँ पे हमें सिंपल से याद रखना है कि स्वीट पोटेटो इज ए मॉडिफाइड एडवेंटियस रूट थी ओके नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन यानी ऐसी कौन सा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एब्जॉर्पन ऑफ वाटर के अंदर पी प्लांट वीट सनफ्लावर या फिर पीस्टिया तो एक्चुअल में पीस्टिया इकोनिया वगैरह ये क्या होते हैं आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं और एक्वेटिक प्लांट में ज़्यादा रोल नहीं होगा वाटर एब्जॉर्प्शन का रूट्स का तो यहाँ पर पीस्टिया का एक एक्वेटिक प्लांट है इसीलिए इसका इनसिग्निफिकेंट रोल रहता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी

क्लिंजिंग रूट्स इज ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके पास क्लिंजिंग रूट्स हो सकती है स्क्र्यूपाइन पोडोस्टेमन ट्रापा या फिर ऑर्किड तो एक्चुअल में ऑर्किड जो होते हैं वो क्या करते हैं एयर से एटमॉस्फियर से जो उसके अंदर जो आपका एटमासफियर के अंदर मॉइचर होता है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कौन से रूट्स होती है क्लाइंजिंग रूट जो मदद करती है तो वो ऑर्किड्स में मिलेगी नेक्स्ट है वेलामन इज़ फाउंड इन वेलामन किसके अंदर मिलेगा रूट्स ऑफ स्क्रू पाइन एरियन एंड ट्रेस्टियल रूट ऑफ ऑर्किड लीव्स ऑफ फाइकस इलास्टिका या फिर एरियल रूट ऑफ द एर्किड तो सिंपल इसका याद रखना है कि यहाँ पर जो एरियल रूट्स होती है ऑर्किड की जो एयर के अंदर सहती है जो कि वाटर को एजोस कर, एब्जॉर्ब करती है उन्हीं के अंदर मिलता है वेलामन well आपकी जो अक्लाइंजिंग रूट्स होती है उन्हीं के अंदर मिलता है आपका वेलामन well तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ओके okay, वैसे भी काफी पुराना क्वेश्चन है 1991 का है एनसीआर आउट ऑफ एनसीआर है तो अभी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी नहीं है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द स्टेम यहाँ पे पूछा गया इन बोगन विलिया थोन्स आर द मोडिफिकेशन ऑफ बोगन विलिया के अंदर जो थोन है वो किस चीज़ के मॉडिफिकेशन है एडवेंटियस रूट के स्टेम के लीफ के स्टिप्यूल के तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो किस चीज़ के मॉडिफिकेशन है स्टेम के तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा एक स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है टेंड्रिल ऑफ कोकोम्बर फ्लैट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनसिया पिक्चर ऑफ नेफेंथिस या फिर थॉर्न ऑफ सिट्रस तो पिक्चर ऑफ नेफेंथिस जो है वो एक्चुअल में लीफ मॉडिफिकेशन है स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा गया द स्टेम मोडिफाइड इन टू फ्लेट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीवस आर नॉन एज यानी जो स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लेट हो जाता है जो कि फोटो सिंथेसिस का वर्क करता है जैसे लीवस करती है तो उनको क्या बोला जाएगा फाइलोक्लेड्स स्केल्स क्लेडोड या फिर फाइलोड तो सिंपल याद रखना जो स्टेम अगर आपकी स्टेम मॉडिफाइड होती है तो उसको बोला जाता है फाइलोक्लेड अगर आपका पेटियोल हो गया अगर आपका पेटियोल मॉडिफाइड हो गया और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे फाइलोड तो फाइलोड एंड फेलोक्लेड्स के अंदर आप याद रखना डिफरेंस ओके okay. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेम पूछा गया तो आंसर आएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ है एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल बताना है कौन सा है कैरेट है ग्राउंड नट है स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा पोटैटो क्या है एक एडिबल ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन है स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू स्वीट पोटैटो किसकी होमोलोगस है पोटैटो कोलकेशिया जिंजर या फिर टर्निप तो सिंपल याद रखना ये टर्निप की होमोलोगस है क्यों क्योंकि स्वीट पोटैटो और टर्निप दोनों ही क्या है मोडिफाइड रूट है बट पोटैटो पोटेटो जिंजल की ये मोडिफाइड स्टेम है तो होमोलोगस क्या हो जाएगी टर्निप हो जाएगी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो ट्वेल्थ है यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो फाइटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मोडिफाइड इन फ्लैट ग्रीन एंड सर्कल एंड स्ट्रक्चर ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि आपका मोडिफाइड कर लेता है स्टेम को फ्लैट ग्रीन के अंदर ओपनशिया कैसुरना हाइड्रीला या फिर अकेशिया तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो कौन सा प्लांट है वो है ओपनशिया नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है थर्टीन में पूछा गया है व्हाट इज़ द आई ऑफ पोटैटो जो आई ऑफ पोटैटो होती है वो क्या होती है एक्जरी बर्ड होती है असेसरी बर्ड एडवेंटिस बर्ड या फिर एपिकल बर्ड

लीव्स जो होती है उसको स्पाइन के अंदर किस में मॉडिफाइड हो जाती है ओनियन में सिल्क कॉटन में ओपनशिया में पी में तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पेन स्टेम होता है वो तो आपका फोटोसिंथेसिस का काम करता है और जो लीव्स होती है वो स्पाइन के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है किसके अंदर ओपनशिया के अंदर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो सिक्सटीन है यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी प्लांट्स एमोग चाइना रोज ऑस्मियम सनफ्लावर मस्टर्ड एल्स्टोनिया गुआवा कैलोट्रोपिस एंड नीरियम ओली अंडर है ओपोजिट फाइलोटैक्सी ओपोजिट फाइलोटैक्सी हमें किस किस के अंदर देखने को मिलेगी तो कितने प्लांट होंगे यहाँ पे टोटल थ्री फोर फाइव या फिर टू तो यहाँ पर सिंपल सा है जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए थ्री प्लांट होंगे जिनके अंदर ओपोजिट फिलोटैक्सी मिलेगी उनमें सबसे पहला है आपका ओसीमम ओसीमम के अंदर देखने को मिलेगी ओपोजिट सेकेंड आपका गुआवा गुवा के अंदर देखने को मिलेगी एंड थर्ड आपका कैलोट्रॉपिस तो इन तीन प्लांट के अंदर आपको ओपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी

रोज एलस्टोनिया तो होल किसके अंदर होती है बहुत ही आसानी से आंसर आ जाती है एलस्टोनिया तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो द इनफ्लोरेसेंस और यहां से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में पूछा गया इनफ्लोरेंसेंस इज रेसीमोज इन ये रेसीमोज इनफ्लोरेसेंस किसके अंदर मिलेगा ब्रिंजल के अंदर ट्यूलिप के अंदर एलोए के अंदर सोयाबीन के अंदर तो ये हमें मिलेगा सोयाबीन फेबिय सी के अंदर कैसा है रेसीमोज इनफ्लोरेसेंस है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा गया इन ए एसाइमोज इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस साइमोज so, इन होता है उसके अंदर मेन एक्सिस क्या करती हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांच एंड इन फ्लोवर या फिर टर्मिनेट्स इन ए फ्लोवर तो जो आपकी मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लोवर के अंदर साइमोज के अंदर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में पूछा गया साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर प्रेजेंट होता है सोलेनम सेसबानिया ट्राइफोलियम या फिर ब्रासिका तो जो आपका साइमोस होता है वो सोलेनम के अंदर हमें देखने को मिलेगा साइमोस हमें किसके मिलेगा सोलेनम के अंदर जो सोलिनसी फैमिली होता है उसमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पूछा गया है द लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्यूटिंग एट द एंड ऑफ ए यंग कोब ऑफ मेज आर जो मेज के अंदर जो आपके प्रोटोटिन फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं एंथर होते हैं स्टाइल होती है या फिर होती है तो मेज के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं वो स्टाइल होते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है हियर फाउंड इन द इफ्लोरेंस ऑफ जिया मेज आर द मोडिफिकेशन ऑफ जो जिया मेज प्लांट होता है उसके अंदर जो हेयर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं स्टाइल होते हैं स्टिग्मा होते हैं स्पेथ होती है या फिर फिलामेंटस होते हैं तो सिंपल है वो क्या होते हैं स्टाइल होते हैं जिया मेज क्या है आपका मेज का ही बायोलॉजिकल नेम है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हाईपेंथोडियम इज स्पेशाइज टाइप ऑफ हाईपेंथोडियम एक क्या है स्पेशलाइज फ्रूट है इन्फ्लूस है थैलेमस है या फिर ओवरी है तो सिंपल याद रखना है पोन्थेडियम जो है वो एक इन्फ्लूस का टाइप है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ओके okay, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोवर और यहाँ से नी ट्वेंटी ट्वेंटी में देखिए कंटिन्यू दो क्वेश्चन आ चुके हैं और एक ही टॉपिक से आ चुके हैं पहला पूछा गया रे फ्लोरेट्स है जो रे फ्लोरेट्स होते हैं सनफ्लावर के उनमें क्या ओवेरी मिलेगी इन्फीरियर ओवेरी सुपीरियर ओवी हाइपोगाइनस ओवेरी या फिर हाफ इफीरियर ओवेरी तो सिंपल याद रखना वहां पर हमें रे फ्लोरेट्स के अंदर कौन सी मिलती है इन्फीरियर ओवेरी मिलती है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में पूछा गया था इज हाफ इन्फीरियर इन हाफ इन्फीरियर ओवेरी किस में मिलेगी ब्रिंजल में मस्टर्ड में सनफ्लावर में या फिर प्लम में तो पीच प्लम एंड रोज इनके अंदर कौन सी मिलती है हाफ इनफीरियर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में पूछा गया है प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरीफेरल पार्ट यानी वो प्लासेंटेशन जिसमें ओव्यूल जो वो इनर वॉल पे या फिर पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं फ्री सेंट्रल बेसल एग्जाइल या फिर पेराइटल तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा पेराइटल प्लासेंटेशन उसको बोला जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है ट्वेंटी एट यहाँ पर हमें बताए द प्लासेंटल टाइप्स को कॉलमन विद दियर एग्जाम्पल तो यहाँ पे प्लासेंटल टाइप दिया बेसल एग्जाइल पेराइटल फ्री सेंट्रल और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए तो मैच द कॉलम है सबसे पहले बेसल प्लासेंटेशन की बात करें तो ये हमें मिलेगा सनफ्लावर के अंदर नेक्स्ट हम अगर एग्जाइल प्लासेंटेशन की बात करें तो ये हमें मिलेगा चाइना रोज के अंदर अगर मैं पेराइटल की बात करूँ तो ये हमें मिलेगा मस्टर्ड के अंदर और फ्री सेंट्रल की बात करूँ तो ये हमें मिलेगा डाई एंथस के अंदर यानी ए जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है बी सेकेंड के साथ सी फर्स्ट के साथ और डी जो है वो हमारा थर्ड के साथ जा रहा है अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे पहले ए जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है ए फोर्थ के साथ केवल एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बी हमारा सेकंड के साथ जा रहा था चाइना रोज के साथ सही है सी हमारा फर्स्ट के साथ और डी हमारा थर्ड के साथ हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है द टर्म पोली एडल्फस इज रिलेटेड टू पोली एडल्फस किससे रिलेट करता है गाइनोशियम से एंड्रोशियम से कोरोला से कैलिक से तो पोली एडल्फस मोनो एडल्फस डाई एडल्फस ये किससे रिलेट करते हैं एंड्रोशियम से रिलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो थर्टी है यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी प्लांट्स एवंग इंडिगोफेरा सेसबानिया साल्विया एलियम एलोए मस्टर्ड ग्राउंडनट रेडिस ग्राम टर्निप हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर यानी इनमें से कितने ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो उनके स्टेमन है उनकी डिफरेंट लेंथ मिलेगी अब देखिए एन सी आर टी के अंदर दो तो दिए हुए हैं आपके सालविया और मस्टर्ड यानी आपका सालविया दिया हुआ है और आपका मस्टर्ड जो है वो दिया हुआ है एन सी आर टी के अंदर इसके अलावा आपको याद रखना है कौन कौन सा एक रेडिस याद रखना है और इसके अलावा एक और याद रखना है वो है टर्नी तो इन चारों के अंदर जो है वो डिफरेंट लेंथ हमें मिलती है ये आप एन में लिख भी सकते हो तो टोटल यहाँ पर कितने हैं फोर है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ रेडियल सिमेट्री किस फ्लावर के अंदर मिलेगी ब्रासिका ट्राइफोलियम पाइसम कैसिया

तो उसको बोलते हैं वैक्सिलम वैक्सिलरी से आता है ना वैक्सिलम तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्टी फोर है यहाँ पे पूछा गया एमोंग चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल पोटेटो गुआवा कुकुम्बर ऑनियन ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स एव द सुपीरियर ओवेरी अब यहाँ पर कौन कौन सी सुपीरियर ओवेरी मिलेगी तो सिंपल सा याद रखें लगभग सभी फैमिली जो भी एनसीआर के अंदर दी हुई है उनमें सुपीरियर ओवेरी है चाहे वो आपकी ब्रासिकसियो फेबियसियो सोलिनसियो लीलियसियो तो हमें यहाँ पर बाकी फैमिली वाले एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं बट हमें किसके अंदर नहीं होती है वो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर एक तो गुआवा के अंदर नहीं होगी ओके okay? और एक किसके अंदर नहीं होगी कुकुम्बर के अंदर नहीं होगी बाकी तो सभी फैमिलीज के एग्जाम्पल है अब हमें बताना है कि कितने टोटल यहां पर है जिनके अंदर होती है तो चाइना रोज वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो टोटल एट में से प्लांट है जिनके अंदर सुपीरियर ओवरी हो सकती है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है एग्जाइल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन एग्जाइल प्लासेंटेशन किस में प्रेजेंट होती है पी आर्जीमोन डाइंथस लेमन तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाने किस में होती है वो लेमन के अंदर होती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है कील इज ए करेक्टरस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ कील किसका करैक्ट्रिस्टिक फीचर हो सकता है तो फेबियसी फैमिली में हो सकता ही एलोय टोमेटो ट्यूलिप या फिर इंडिकोफेरा तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा टिंगिकोफेरा फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है वन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो ओवरलैप करे तो उसको हम क्या बोल लेंगे तो उसको हम बोलेंगे इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया गया एमोंग बीटर गार्ड मस्टर्ड ब्रिंजल पंपकिन चाइना रोज ल्यूपिन कुकुम्बर सनहैम्प ग्राम गुआवा बीन चिली प्लम पिशुनिया टोमेटो रोज विथेनिया पोटेटो ओनियन, एलोय एंड ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स हैव है फ्लोवर अब इत, कौन कौन से प्लांट है जिसके अंदर मिलेंगे? तो हम सिम्पल ये देख लेते हैं किसके अंदर हाइपोगानस सुपेरियर रॉबेरी नहीं मिलेगी सबसे पहले जो नहीं मिलेगी वो होगा हमारा बीटर गार्ड तो बीटर गार्ड के जो अंदर है वो हमें हाइपोगानस नहीं मिलती है सेकंड आता है पंपकिन पंपकिन के अंदर भी हमें नहीं मिलेगी थर्ड आता है कुकुम्बर कुकुम्बर के अंदर भी हमें सुपीरियर ड्रॉबेरी देखने को नहीं मिलेगी थर्ड आता है हमारा गुआवा गुआवा के अंदर भी हमें सुपीरियर ओवेरी देखने को हाइपोगनस नहीं मिलेगी फिर उसके बाद आता है हमारा प्लम प्लम के अंदर भी ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी रोज़ के अंदर भी हमें नहीं देखने को मिलेगी तो टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है टोटल में से जिनमें नहीं मिलेगी अब कितने में मिलेगी मस्टर्ड में मिलेगी ब्रिंजल में मिलेगी टू चाइना रोज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो टोटल हमें फिफ्टीन के अंदर देखने को मिलेगी तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए फिफ्टीन में एटीन में सिक्स में टेन में तो फिफ्टीन में हमें देखने को मिलेगी तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए e. ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देख लेते हैं इन चाइना रोज द फ्लोवर आर चाइना रोज के अंदर जो होते हैं वो फ्लोवर कैसे होते हैं जाइगोमोर्फिक हाइपोगाइनस विद इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन जाइगोमोर्फिक एपिगाइनस विद ट्विस्टिज एस्टिवेश्टिनोमोर्फिक हाइपोगाइनस विद ट्विस्टिज एस्टिवेशन एक्टिनोमार्फिक एपिगाइनस विद वॉल्वेट एस्टिवेशन सबसे पहले हमें याद रखना है कि वहाँ पे एक्टिवनोम्फिक होता है नोट अगोमोफिक एक्टिनोम्फिक होगा सेकंड हमारा हाइपोगाइनस होगा और ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी चाइना रोज के लिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी यहां पे बोला गया है एमोंग द फ्लावर ऑफ कैलोट्रोपिस ट्यूलिप्स एसबानिया एस्पेरागेस कोल्सिकम स्वीट पी पोटोनिया इंडिकोफेरा मस्टर्ड सोयाबीन टोबैको एंड ग्राउंडनट हाउ मेनी प्लांट्स कोरोला विद द वोलवेट एस्टिवेशन वोलवेट एस्टिवेशन वाले कौन कौन से हैं तो सिंपल याद रखना सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोट्रोपिस कैलोट्रोपिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है वॉलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है उसके बाद हमें ट्यूलिप के अंदर भी देखने को मिलेगा देन हमें जो है हाँ वो एस्पैरागस के अंदर देखने को मिलेगा सेस्पानिया के अंदर नहीं मिलेगा देन जो हमें हाँ कोल्ची के अंदर भी देखने को मिलेगा उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पिटूनिया के अंदर भी देखने को मिलेगा पिटूनिया के बाद मस्टर्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा मस्टर्ड के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टोबैको के अंदर भी देखने को मिलेगा और टोबेको के बाद अगर मैं बात करूँ तो लीलिएसी और सोलेनेसी और ब्रासिकेसी इन सभी के अंदर हमें वॉलवेट एस्टिवेशन देखने को मिल जाएगा ओके तो ये याद रखें तो अब हमसे पूछा गया कि यहां पे टोटल किस में इन्वोल्वेट एस्टिवेशन मिलेगा तो कोलेट्रोपिस ट्यूलिप एस्पारेगस कोल्चिकम पिटोनियम मस्टर्ड और टोबेको तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो टोटल सेवन के अंदर मिलेगा सिक्स सेवन एट फाइव तो सेवन के अंदर मिलेगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो फोर्टी है प्लाजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन टोमेटो एंड लेमन के अंदर कौन सा प्लाजेंटेशन पेराइटल फ्री सेंट्रल मार्जिनल या फिर एक्साइल तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा एक्साइल प्लासेंटेशन हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो फोर्टी है द

मस्टर्ड ग्राम ट्यूलिप एस्पेरेगस अरहर सनहेम्प चिली कोलचिकम ओनियन मूंग पी टोबैको एंड ल्यूपिन तो फेबियसी फैमिली के एग्जाम्पल निकाल लीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्राम फर्स्ट होगा हमारा ग्राम सेकंड होगा हमारा अरहर ये भी फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है फिर हमारा सनहेम्प जो है वो भी फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मूंग जो है वो भी बिलोंग करता है उसके बाद पी भी बिलोंग करता है ओके okay, और इसके अलावा हमारा ल्यूपिन जो है वो भी से बिलोंग करता है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल सिक्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं फोर फाइव सिक्स थ्री तो यहाँ पे सिक्स हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोटी फोर है फ्लावर आज जाइगोमॉर्फिक इन फ्लॉवर जो वो जाइगोमॉर्फिक किस में मिलेंगे मस्टर्ड में गुलमोर में टोमेटो में दतूरा में तो जाइगोमॉर्फिक हमें किस में मिलेंगे गुलमोर में मिलेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में पूछा गया है द ऑवरी इज हाफ इनफीरियर इन द फ्लोवर हाफ इनफीरियर किस में मिलेगी पीच में कुकुम्बर में कॉटन में गुआवा में पीच प्लम रोज तो ये याद रखना पी पी आर तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है वन ऑफ द द फॉलोइंग फीवर इन दाएंतस? दाएंतस के अंदर कौन सा मिलता है फ्री सेंट्रल तो डायग्राम दिए हुए प्योर एनसीआर बेस्ड वाले तो फ्री सेंट्रल हमें किसके अंदर देखने को मिल रहा है इसके अंदर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इन हमारे ओवरी विद ए सिंगल ओव्यू

ओवेरी इज हाफ इनफीरियर इन द फ्लावर ऑफ हाफ इंफीरियर किस में मिलेगी गुआवा में प्लम में ब्रिंजल में कुकुंबर पीच पलम रोज तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी है फिफ्टी में पूछा गया था टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन ए फ्लोवर ऑफ चाइना रोज ही बिस्कस रिज ये बिस्कस यानी जो चाइना रोज होता है उसके अंदर एंड्रोशियम को क्या बोले जाते हैं मोनो एडल्फस डाइ या फिर पोली एडल्फस तो सिंपल सा याद रखें उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 51 में डायग्राम बेस्ड दिया गया एन बेस्ड वाला एस्टिवेशन ऑफ द पेटल्स इन ए फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोज कॉटन के अंदर हमें बताना तो उसके अंदर ट्विस्टेड होता है ये हमें प्योर एन बेस्ड वाला दिया गया है तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ट्विस्टेड दिया गया है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू में पूछा गया एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइल प्लासेंटेशन इज एक्साइल प्लाजेंटेशन का एग्जाम्पल बताना है डाइंथस लेमन मैरीगोल्ड एंड आर्जीमोन तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा लेमन एक्जाइल प्लासेंटेशन होता है फिफ्टी थ्री है रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर रेपलम जो है वो किस ओवरी के अंदर मिलेगा सनफ्लावर पी लेमन या फिर मस्टर्ड तो सिंपल सा याद रखना वो मस्टर्ड के अंदर में मिलेगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर देख लेते हैं एनजीओस पंप टू विच द लार्जेस्ट फ्लॉवर बिलोंग टू इज़ एनजीओसपम्प जिसके अंदर लार्जेस्ट फ्लोवर मिलता है वो क्या होता है टोटल रूट पैरासाइट पार्शियल रूट पैरासाइट टोटल स्टेम पैरासाइट या फिर पार्शियल स्टेम पैरासाइट तो जो सबसे मेन लार्जेस्ट फ्लोवर जिसके ऊपर लगता है वो होता है आपका रेफेल्सिया रेफेल्सिया एक प्लांट है जो कि टोटल रूट पैरासाइट होता है वैसे ये का है काफी पुराना क्वेश्चन है के okay, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्रूट से और क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है नी 2017 में आ चुका है कोकोनट फ्रूट इज कोकोनट फ्रूट कौन सा है बेरी या नट है कैप्सुलर ड्रूप है तो वो फ्रूट हमारा ड्रूप है आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 56 सिक्स नंबर द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा है कोटोलीडन एंडोस्पम पेरिकार पेरिस्पम तो सिंपल सा याद रखें वो कौन सा है एंडोस्पम है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देख लेते हैं द प्लासेंटेशन एंड पेरिकार बोथ एडिबल पोर्ट इन प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों किसके अंदर एडिबल हो सकते हैं एप्पल बनाना टोमेटो या फिर पोटैटो के अंदर तो टोमेटो के अंदर प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों एडिबल हो सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 58 में पूछा गया है एन एग्रीगेट फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम एग्रीगेट फ्रूट जो वो किससे डेवलप होता है मल्टी कार्पेलरी कार्पस गाइनोशियम मल्टी कार्पल एपोकार्पस गाइनोशियम कंप्लीट या फिर मल्टीकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी तो जो आपका एग्रीगेट फ्रूट होता है वो हमेशा डेवलप होगा का मल्टीकार्पल एपोकार्पस गाइनोशियम से तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी नाइन में पूछा गया हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव द कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिट फ्रूट का एग्जांपल बताना है जो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है वॉलनट पॉपी रेडिस फिग पाइनपल एप्पल टोमेटो एंड मलबेरी तो यहां पर जो टोटल है वो थ्री होते हैं एक होता है आपका फिग सेकेंड होता है आपका पाइन और थर्ड होता है आपका मलबेरी ये तीन जो होते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस से कंपोजिट फ्रूट होते हैं तो यहाँ पे फोर फाइव टू या थ्री तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में

साइकोनस कैरियोपसिस या फिर हर हैसपेरिडियम उनमें से कौन सा फ्रूट हम बोलेंगे तो सिंपल है उसको हम बोलेंगे साइकोनस काफ़ी पुराना है 2009 का है एन सी बेस्ड नहीं है ओके बट आप याद रख लेना क्वेश्चन नंबर थ्री है एंड टेस्टा टेस्टा आर एडिबल पार्ट इन और टेस्टा दोनों किसके अंदर एडिबल पार्ट हो सकते हैं वॉलनट एंड टेमरिन फ्रेंच बीन एंड कोकोनट कैजोट एंड लीची ग्राउंडनट एंड पॉम तो कोटलीडन जो होता है वो ग्राउंडनट के अंदर होता है टेस्टा जो होता है वो क्या होता है आपका पॉमग्रेनेट टेस्टा क्या होता है जो सीड के बाहर वाला पोर्शन होता है तो हमारा जो आंसर आ जाएगा करेक्ट वो आ जाएगा ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर देख लेते हैं फ्लैसी रेसेपेटेकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोजेज एंड नंबर ऑफ जो फिग होता है साइनोकस फ्रूट होता है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लोज होती है बेरीज मेरी कार्प्स एक्नेज या फिर सेमेरन्स तो उसके अंदर होते हैं एक्नेज यानी आपके छोटे छोटे सीड्स स्ट्राइक तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है ड्राई इन डेहीसेंट सिंगल सीडिड फ्रूट फॉर्म फ्रॉम बाई कैल्पलरी सिन कार्पस इन्फीरियर ओवेरी इज तो जो इन्फीरियर ओवरी बाई कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन से जो फ्रूट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेरी क्रीमोकार्प कैरियोप्सिस या फिर सिप्सेला तो उसको हम बोलते हैं क्या सिप्सेला याद रख सकते हो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप्ड फ्रॉम इन्फीरियर ओवरियंट हैज सीडिड विद सकुलेंट टेस्टा इन तो यहाँ पे बोला गया सकुल टेस्टा के अंदर सीड्स होते हैं और इनफीरियर ओवेरी से डेवलप होता है तो वो कौन सा फ्रूट है गोवा कुकुम्बर पॉम ग्रेनेट या फिर ऑरेंज तो सिंपल आप याद रखना वो कौन सा होता है पॉम ग्रेनेट होता है जहाँ पे सीड्स को तो मीट करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है द पाइनेपल अनानास फ्रूट डेवलप फ्रॉम जो पाइनेपल होता है अनानास फ्रूट वो किससे डेवलप होता है ए मल्टीलोकुलर मोनोकारपेलरी फ्लोवर ए यूनिलोक्युलर पोली कार्पेलरी फ्लोवर ए मल्टी स्पिस्टीलेट सिन कार्पस फ्लोवर ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोन फ्लोवर ऑन द कॉमन एक्सिस तो यहाँ पर ये यह जो डेवलप होता है वो क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोन फ्लावर्स होते हैं एक कॉमन एक्सिस पे उससे डेवलप होता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट द एडिबल पार्ट इज द एरिल कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर एडिबल पार्ट जो वो एरिल है लीची कस्टर्ड एप्पल पोम पॉमग्रेनेट ऑरेंज तो यहाँ पर लीची का डायग्राम भी बनाया हुआ है सेक्सल रिपोर्डक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले में वहाँ पे एरल रेखा भी हुआ तो आएगा हमारा लीची तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 69 है वो है यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची फ्रूट ऑफ लीची के अंदर एडिबल पार्ट क्या होता है मीजोकार्प एंडोकार्प पेरिकार्प जूसी एरिल तो होता है जूसी एरिल अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो मैंगो का एडिबल पार्ट क्या होता है ये तो अभी में लिखा हुआ है एंडोकार्प रेसेप्टेकल एपिकार्प या फिर मीजोकार तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा मीजोकार्प नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ऑर् जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम जो है लेमन के अंदर जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं एक्जोकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प या फिर मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, एंडोकार्प तो सिंपल याद रखना वो डेवलप होते हैं एंडोकार्प से ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू में हमसे पूछा गया है द तो जियो कार्पिक फ्रूट इज जियो कार्पिक फ्रूट कौन सा है पोटैटो पीनट ओनियन गार्लिक सिंपल सिंपल ऐसा बहुत पुराने ओल्ड क्वेश्चन है अभी ऐसे एनसीआर बेस्ड या आपने देखे भी हैं तो यहां पर आप जियो कार्पिक फ्रूट याद रख सकते हो वो कौन सा होता है वो होता है आपका पीनट एडिबल पार्ट इन मैंगो मैंगो के अंदर एडिबल पार्ट मीजो कार्प एपी एंडो कार्प एंडोकार्प एबीडरमिस तो सिंपल सा आप याद रख सकते हो वो कौन सा होता है मीजोकार्प एन सीआरटी में अभी रिसेंट में दिया भी हुआ है एडिपल पार्ट ऑफ बनाना जो बनाना का एडिबल पार्ट होता है कौन सा होता है एपिकार, मिसोकार्प एंड लेस डेवलप्ड एंडोकार्प, एंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मिसोकार्प या फिर एपिकार्प एंड मिसोकार्प तो सिंपल आप याद रखना यहाँ पर एंडोकार्प होता है और जो मिसोकार्प होता है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जियो कार्पिक फ्रूट में, में, तो कार्पिक फ्रूट वैल्यू इफ इट्स फ्रूट आपका के अंदर मिल सकता Next, अगर हम इंड्यूज पार्थिनोकार्पिक को अगर फ्रूट को डेवलप कर लेंगे तो किसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाएगी ऑरेंज की बनाना की ग्रेप की या फिर पॉम ग्रेनेट की तो पॉम ग्रेनेट की क्योंकि पॉम ग्रेनेट में क्या होता है सीड्स जो होते हैं वो हम ईट करते हैं बट यहां पर होगा क्या पार्थिनो के अंदर क्या होता है वहाँ पर विदाउट सीड होते हैं तो इसका मतलब कि आप पोमग्रेनेट के अंदर सीड ही डेवलप नहीं होगी तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट ट्रू फ्रूट कौन सा है बनाना फिग एप्पल पियर तो बनाना एक ट्रू फ्रूट है क्योंकि ये जो है वो आपकी ओवेरी से डेवलप होता है अदर ओवेरी से डेवलप नहीं होते हैं फ्रूट ऑफ मेगनीफेरा इंडिका इज मैग्नीफेरा इंडिका यानी मैंगो जो फ्रूट कौन सा है बेरी ड्रूप कैप्सूल सिलिक्वा तो आप याद रख सकते हो वो कौन सा फ्रूट है वो है आपका ड्रूप फ्रूट नेक्स्ट है सेवेंटी नाइन मैंगो जूस इज ऑप्टेंड फ्रॉम मैंगो जूस किससे ऑप्टेंड होता है एपिकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प या फिर पेरिकार्प एंड थैलेमस तो जिसको हम ईट करते हैं उसी से तो जूस बनेगा तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा मीजोकार्प ओके okay. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी है द फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट इज जो फ्रूट होता है ग्राउंड नट का उसको क्या बोलते हैं लेग्यूम कैरियोप्सिस बेरी या फिर नट फ्रूट तो सिंपल याद रखना है उसको हम बोलते हैं लेग्यूम फ्रूट के अंदर वो आता है ओके okay, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द सीड और यहाँ से भी हमारा नी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिंक करता है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फ्यूनिकल एट जो ओव्यूल होता है उसमें फ्यूनिकल जो फ्यूज होता है वो कहां पे होता है हाइलम में माइक्रोपाइल में न्यूसिलस में चलाजल में तो सिंपल सा आप याद रख सकते हो वो कहां पे फ्यूज होता है वो हाइलम पोर्शन के पास में तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एटी टू है द कोटलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज मो इज ग्रेन मोनो कोटलेडन के अंदर जो कोटोलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं प्ल्यूम्यूल प्लियल तो उसको बोला जाता है स्कोटेलम तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एटी थ्री है दीट ग्रेन हैन विद वन लार्ज

मैगो इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ए प्रोटीनिस एलोरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन एंड ए स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिनो स्टाइल पिस्टल नहीं स्टेमन होता है मैंगो पार्थेनोकार्पिक नहीं होता है सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं प्रोटीनिस एलोरोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है मेज ग्रेन के अंदर तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर एटी फाइव देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पे भी हमसे ये बताया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इन टोमेटो फ्रूट इज ए कैप्सूल सीड्स ऑफ ऑर्गिट हैव ऑयल रिच एंडोस्पम्प प्लासेंटेशन इन प्राइमरोज इज बेसल एंड

नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एटी सेवन है एन एग्जांपल ऑफ ए सीड विद एंडोस्पम्प पेरिस एंड क्रेनुकल इज कार्नुकल

में स्टार्च में लिपिड्स में एक्जिन में तो वो प्रोटीनियस लेयर होते है तो वो प्रोटीन में रिच होगी ना तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 90 है विच इज करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट एडिबल पार्ट के लिए बिल्कुल कौन सा करेक्ट है क्या टोमेटो के अंदर हम थेलेमस को ईट करते हैं क्या मेज़ के अंदर कोटोलीडन को क्या गुआबा के अंदर मीजो को क्या डेट पाम के अंदर मीजो को तो डेट काम के अंदर हम मीजो को ही ईट करते हैं तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है इन ग्राउंड ग्राउंडनट द फूड ऑयल रिजर्व इज प्रेजेंट इन ग्राउंड ग्राउंडनट के अंदर जो फूड ऑयल रिजर्व होता है वो किस में प्रेजेंट होता है एपी में मीजो में एंडोस्पम्प में या फिर कॉटलीडन के अंदर तो वो होता है कॉटलिडन के अंदर नेक्स्ट है ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंड नट इज प्रेजेंट इन ऑयल रिजर्व ग्राउंड नट के अंदर किस में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो में कोटोलेडन में एंडोस्पम में अंडरग्राउंड व्यूबर में तो अभी बताया था किसके अंदर होता है वो ग्राउंड नट के अंदर होता है ओके okay, नेक्स्ट जो हमारा है वो फैमिली से रिलेटेड आ जाता है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर प्लांट से एक क्वेश्चन आया बट वो 1998 का क्वेश्चन है द फ्लोरल फीचर आर चीफली यूज इन एनजियोसपम्प आइडेंटिफिकेशन बिकॉज फ्लावर कैन भी सेफली प्रिजर्व रीप्रोडक्टिव पार्टस आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट फ्लावर आर नाइस टू वर्क विद फ्लावर आर ऑफ वेरियस कलर तो हम एक्चुअल में फ्लावर को जो है वो मेनली क्यों यूज़ करते हैं एनजियोसपम्प को आइडेंटिफाई करने के लिए क्योंकि वो रिपोर्डक्टिव पार्ट होता है ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादातर जो वेजिटिव पार्ट की तरह ज़्यादातर चेंज नहीं होता है ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू तो वेजिटेटिव पार्ट इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 94 है वो नाइनटी फोर है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज और फैमिलीज से यहां अब काफी क्वेश्चन आ चुके हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है ट्राइ कार्पेलरी इन गाइनोशियम इज़ फाउंड इन द फ्लावर ऑफ ट्राइकार्पेलरी फेबियसी पोएसी लीलियसी सोलिनेसी तो वो लीलियसी के अंदर ही ट्राईकपेड्री अकेला देखने को मिलता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव है यहाँ पे एक जो है वो फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया कि है फ्लोरल फॉर्मूला पूछा गया कि किसका है पिटोनशिया का ब्रासिका एलियम सेसबानिया तो सिंपल है ये जो आपका आता है वो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है सोलेनेसी फैमिली का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है वो है पिटोनिया तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके okay. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स की क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स में हमसे पूछा गया है वैगजिलरी एस्टिवेशन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली वैक्जिलरी किस फैमिली के अंदर मिलता है फेबियसी एस्टेरियसी सोलेनेसी ब्रासिकैसी तो सिंपल से याद रख लेना वो किसके अंदर मिलता है फेबियसी के अंदर एनसीआरटी में दिअ द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ चीली चीली का करेक्ट फ्लोरल फार्मूला हमें यहाँ पे देख के बताना है सबसे पहले जो कैलिक्स और एंड्रोशियम के अंदर जो है वो यहाँ पे डेवलप होती तो ये बिल्कुल सही है सुपीरियर ओवेरी होती है और यहाँ पर ये फ्यूज्ड होते हैं नोट फ्यूज नहीं बल्कि होते बल्कि फ्यूज्ड होते हैं तो हमारा जो नाइन्टी सेवन है इसमें जो करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ ये ऑप्शन बी दिया हुआ यहाँ पर फ्यूज नहीं है और यहाँ पे फ्यूज तो होते ही फ्यूज होते हैं एक्चुअल में कैलिक्स क्रोला क्या होते हैं आपके फ्यूज होते हैं एंडोशियम फ्यूज नहीं होते तो हमारा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी प्योर एनसीआर टी बेस्ड नेक्स्ट है दी करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन यानी फेबियसी के अंदर आता है और फेबियसी का फ्लोरल फॉर्मूला हमें बताना है ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए हुए हैं सिंपल सा बहुत ही आसानी से है यहाँ पर कैलिक्स होते हैं ये तो सब सेम है कैलिक्स होते हैं फाइव होते हैं फाइव के फाइव फ्यूज होते हैं तो ये फ्यूज नहीं है तो ये तो ये ही चला गया नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद में यहाँ पर वन प्लस टू जो होते हैं वो फ्री होते हैं वन प्लस टू यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती ये फ्री होते हैं यहाँ तक अभी तक सेम है उसके बाद यहाँ पे नाइन जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं वन जो होता है तो यहाँ पर ये जो करेक्ट लिखा गया ये ये वाला लिखा गया तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है नाइनटी नाइन 99 में बोला गया द फॉलोइंग फॉलोइ स्टमेंट फोर एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू करेक्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमसे पास चार स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि कौन सी दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट है इन वैक्लरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टू आर विंग्स एंड द टू स्मॉलर एंटीरियर टर्म डील सेकेंड स्टेटमेंट है द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लीलियसी की फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है थर्ड है इन पी द स्टेमन आर मोनो एडल्फस एंड द फ्लोरल फार्मूला ऑफ इज ये सोलेनेसी का फार्मूला दिया हुआ है अब सोलिनि में यहाँ पे फाइव थे फाइव थे और एंडोशियम ये ये तो हमारा गलत हो गया तो फोर्थ तो हमारा ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया नेक्स्ट यहाँ पे पी फ्लोवर के अंदर मोनो नहीं डाई एडलफसा प्यो एनसीआरटी के अंदर दिया हो तो थर्ड और फोर्थ तो हमारी रॉन्ग हो गई तो फर्स्ट और सेकेंड हमारी क्या होगी बिल्कुल करेक्ट होगी दो स्टेटमेंट बताना तो फर्स्ट और सेकेंड अगर हमारी करेक्ट होगी तो आंसर आ गया ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है सोयाबीन का सनहेंप का टोबेका का ट्यूलिप का तो ये किसका है सोलोनीसी फैमिली का और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कौन सा टोबेको आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन है पेंटामेरस एक्टिमोर्फिक फ्लावर बाई कार्पेलरी ओवरी विद ओब्लिगे सेप्टा एंड फ्रूट कैप्सूल और बेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किस फैमिली के अंदर ये सारे फीचर मिलेंगे लीडियसी एस्टेरियसी ब्रासिकेसी सोलेनेसी तो बहुत ही आसानी से याद रखना है किसके अंदर मिलते हैं सोलेनेसी के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू है बाई कार्पेरी गाइनोशियम एंड ऑब्लिक ओवेरी आकर्सनी बाई कार्पेलरी गाइनोशियम ऑब्लिक ओवेरी किस में मिलेगी मस्टर्ड में ब्राना में बनाना में पाइसम में या फिर ब्रिंजल के अंदर तो यह हमें मिलेगी ब्रिंजल के अंदर ओके नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर है वन जीरो थ्री टेट्रा डायनेमस कंडीशन आकर टेट्रा कंडीशन किसमें मिल सकती है क्रूसी फेरेसी मालवीयसी सोलेनेसी लीलियसी टेट्रा डाइनेमिस जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो हमें मिलेगी क्रूसी फेरेसी फैमिली में काफ़ी पुराना क्वेश्चन है 2001 का ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है वन जीरो फोर विच इज़ एक्सप्रेसिंग राइट अप्रोप्रियट पेयरिंग इसमें बिल्कुल पेयरिंग करेक्ट किस्म की बोली गई है ब्रासीकेसी क्या सनफ्लावर होता है क्या मेलवेसी के अंदर कॉटन आता है क्या पेप्लिनेसी के अंदर कैटिचू आता है क्या लिलियसी के अंदर वीट आता है तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट बोला गया है वो बोला गया है मालवेसी मालवेसी के अंदर कॉटन आता है कॉटन मालवेसी फैमिली के अंदर आता है ओके नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है वन जीरो फाइव पल्सिस आर ऑप्टेंड फ्रॉम पल्सेस किससे ऑप्टेंड होती है फेबीएससी से एस से पॉइसी से सोलेनसी तो फेबीएससी फैमिली से पल्सेस मिलती है मैक्सिमम तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर वन है वन में हमसे पूछा गया है एपी पेटलस विद द फ्री फिलामेंट फ्यूज एंथर इज आकर इन एपीपेटल स्टेमन है फ्री फिलामेंट है और फ्यूज अंतर है तो वो किस में मिलेंगे एस्टेरियसी, सोलिनेसी, लीलियसी पोएसी तो याद रख लेना ये एस्टेरियसी फैमिली के अंदर होता है फ्लोरल फार्मूला ऑफ टोबेटो टोमेटो और टोबेको टोमेटो या फिर टोबेको का जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया वो करेक्ट किसमें दिया गया तो देखो यही प्योर एन बेस्ड वाला है तो यहाँ पर हमारा कैलिक्स जो फ्यूज्ड है कोरोला फ्यूज्ड है ये इसके साथ में फ्यूज है तो हमारा जो वन हाँ जीरो सेवन उसका आंसर भी क्या आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो वन जीरो एट है वन जीरो एट में पूछा गया यहाँ पर यह हमें फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया और ये पूछा गया कि फ्लोरल फॉर्मूला किसका है लीलियसी का सोलिनसी का एस का फेबियसी का तो ये काफी बार आ चुका है ये किसका है सोलिनसी फैमिली का है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर वन है एपी पेटलस सिन स स्टेमन अकर इन और एपीपेटल स्टेमन किस में मिलेंगे सोलिनसी में ब्रासिकेसी में फेबियसी में एस्टेरिय में तो याद रख लेना ये एस्टेरियसिस फैमिली में होता है वन जीरो जीरो नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया द फैमिली डिलिमिटिंग बाय द टाइप ऑफ इंफ्लिसिस कैसी ऐसी फैमिली जिसमें टाइप ऑफ इन्फ्लेंस बहुत कम होते हैं फेबियसी में एस्टेरियस में सोलिनसी में लीलियसी में तो याद रख लेना ये एस्टेरियसी फैमिली में लास्ट हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है साइनीजिनियस कंडीशन इज फाउंड साइनिजिनियस कंडीशन किस में मिल सकती है एस्टेरिस में लेबियट में सोलेनेसी में फेबियसी में ये भी आप याद रख लेना एस्टेरिस में तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों साथ शेयर कीजिए मिलते जल्दी नेक्स्ट साथ तब तक के लिए धन्यवाद